सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मेफनामिक एसिड एंड पैरासिटामोल सिरप के बारे में, जो फ्रेंड है कुछ इस तरह के पैकिंग में देखने को मिलता है। ये जो सिरप है ये बच्चों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस सिरप के क्या क्या फायदे हैं, इस सिरप को बच्चों के कौन कौन से प्रॉब्लम में, कौन कौन से बीमारी में हम इस्तेमाल करा सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको मतलब कि कितने मात्रा में, कितने डोज में दिया जाता है, एंड इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, मतलब फ्रेंड इसके बारे में टोटल जानकारी एकदम ए टू जेड डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जो मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक जाए। तो चलो फ्रेंड मेरी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं इस मेफनामिक एसिड एंड पैरासिटामोल सिरप के बारे में। तो फ्रेंड, इस ग्रुप में एक सबसे फेमस दवा है जिसका नाम है नोबेल प्लस सिरप, जो कि कुछ इस तरह के पैक में देखने को मिलता है, ठीक है ना। फ्रेंड यह जो सिरप है आपको मैनकाइंड कंपनी बनाया है, काफी ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड बहुत सारे कंपनियां हैं जो इस ग्रुप का दवा बनाती है, ठीक है ना। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हो, आपके मतलब मार्केट में जो मिल सके आप वो ले सकते हो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बस कंपोजिशन उसका मेफनामिक एसिड एंड पैरासिटामोल होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेंड ये जो सिरप है ये आपको मतलब 40 रुपीज यानी कि 40 रुपए में आपको 60 ml की बोतल में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप हर मेडिकल स्टोर पे कहीं से ले सकते हो। और फ्रेंड हम बात करते हैं इस सिरप के बारे में, तो फ्रेंड इसमें आपको मेफनामिक एसिड एंड पैरासिटामोल मिला होता है। तो भाई साहब, इस मेफनामिक एसिड के फायदे के बारे में बात करें तो भाई साहब, ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास का एक मेडिसिन है, ठीक है, जो फ्रेंड ये पेन और इन्फ्लामेशन यानी कि दर्द और सूजन को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। वहीं फ्रेंड हम बात करें इस पैरासिटामोल का, तो भाई साहब इसमें आपको दो चीजें, पहला है फ्रेंड एनाल्जेसिक एंड दूसरा है एंटी पायरेटिक। फ्रेंड जो पहला है एनाल्जेसिक, इसका काम क्या होता है फ्रेंड, बच्चों के दर्द से, जो मतलब किसी बच्चे के माथे में दर्द है या फिर मसल्स पेन है, बॉडी में दर्द है और दर्द के चलते फीवर है, तो उसको कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रेंड जो दूसरा है, बच्चों में फीवर एंड पेन को कम करता है यानी कि बुखार और दर्द को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रेंड बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी कभार होता है क्या, उनके बॉडी में कहीं पर चोट लग जाता है और चोट लगने के कारण वहाँ पे दर्द होता है और दर्द होने के कारण बच्चों के बॉडी में थोड़ा फीवर आ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। तो उन सब कंडीशंस में आप इसे दे सकते हो, पेन और फीवर दोनों में काम करता है, ठीक है ना। और फिर हम बात करते हैं इसके खाने का तरीका के बारे में, ठीक है ना। तो भाई साहब आप इसे बच्चे को खाना खाने के बाद भी दे सकते हो और खाना खाने के पहले भी दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं डोजेस के बारे में, ठीक है ना, इसके डोज के बारे में, इसके मात्रा के बारे में। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये जो सिरप है ये बच्चों के लिए आता है, ठीक है ना, छोटे बच्चों के लिए सिरप आता है, ठीक है। तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने मन से ना दें, इसके डोज की तुलना करें। तो फ्रेंड इसका जो डोज है ना वो बच्चों के मतलब वेट के हिसाब से, बच्चों के वजन के हिसाब से, बच्चों के एज के हिसाब से, मतलब कि बच्चों की उम्र के हिसाब से, और इसके अलावा बच्चों के प्रॉब्लम के हिसाब से, बच्चों में क्या दिक्कत है, उसका वेट कितना है, उसका एज कितना है, इन सब के अकॉर्डिंग ही, इन सबको मतलब कि देखने के बाद ही डॉक्टर आपके बच्चों के डोज के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको अपने मन से नहीं लेना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी डॉक्टर से सलाह लेना है, उनसे कंफर्म करना है कि मेरे बच्चे का एज इतना है, उसका वजन इतना है, उसको ये प्रॉब्लम है, आप इसे डोज को बता दो, तो डॉक्टर आपको उसी के हिसाब से बताएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो भाई अगर आप इस दवा को बच्चों को खिला रहे हो, ठीक है ना, और खिलाने के लमसम एक घंटे के बाद अगर बच्चों में नोजिया या वोमिटिंग हो रहा है, यानी कि मतलब कि फ्रेंड मतलब कि मतली एंड उल्टी वगैरह हो रहा है, तो इस दवा को तुरंत बंद कर दे और डॉक्टर से सलाह ले। इसके अलावा एब्डोमेन पेन हो गया यानी कि पेट दर्द हो गया, डायरिया हो गया या फिर इसके अलावा और कोई दिक्कत हो रहा है, तो भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि तुरंत इसको बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड ये रही इस मेफनामिक एसिड एंड पैरासिटामोल सिरप की जानकारी, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो इस वीडियो में बताया हूँ आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आपके बीच वीडियो को एक लाइक करना है, एंड हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए।